बीते दिनों मनासा में चंद्रवंशी ग्वाला समाज के एक परिवार की नाबालिग बेटी का कुछ लोगों द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा संबंधित थाने पर की गई, परंतु 8 से 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही बालिका को बरामद किया गया, जिससे परिवार के लोग काफ़ी चिंतित और भयभीत हैं। उक्त मामले को लेकर पीड़ित परिवार बुधवार को श्री चंद्रवंशी गोपाल क्षत्रिय ग्वाला ग्वली समाज के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी सूरज कुमार वर्मा के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि विगत दिनों मनासा में समाज की नाबालिग युवती का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और इस मामले की परिजनों ने मनासा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, मगर अब तक पुलिस द्वारा दोषियों पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही नाबालिग को अभी तक बरामद किया गया है। समाजजनों और परिजनों की मांग है कि अपहरणकर्ताओं को जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही अपहरण नाबालिग को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में चंद्रवंशी ग्वाला ग्वली समाज के समाज जन मौजूद रहे। इस बात को लेकर के चंद्रवंशी ग्वाला समाज जो है यहाँ पर आए हैं आज जिला चंद्रवंशी ग्वाला समाज, जो विगत दिनों मनासा में एक घटना हुई थी, मनासा में जो एक नाबालिग ग्वाला सुबह रहता, तो उसके अभी तक भी पता नहीं चला है और घर वाले काफ़ी चिंतित हैं। आज 8 से 9 दिन हो गए इस बात को, 13-14 तारीख को FIR दर्ज मनासा थाने में करी, उसके बाद में SP साहब को भी आज समाज जन पूरे जिला स्तर पर ये ज्ञापन प्रतिनिधि मंडल के रूप में अवगत कराने आए, और हमारी मांग है कि वो जल्द से जल्द जो बालिका अपहृत है उसको गिरफ्तार किया जाए और SP साहब टीमें बनाकर उनके जो आरोपियों को पकड़ के लिए जो टीमें बनाएं और जल्द से जल्द जो बालिका को जो आरोपियों से पकड़कर जो पिता को सौंपी जाए और आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की। परिजनों ने इस मामले में कोई शंका जाहिर करी है कि कौन लोग हैं? परिजनों ने वहाँ लिखित में शिकायत दर्ज करी है और जो उनको शंका और जैसा कि उन्होंने काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला, तो वहाँ ये रामनगर का रहने वाला एक सन्नी दुर्गज करके जो है वो जो ऐसा सुनने में आया कि वो खुद शादीशुदा है और पूरा शादीशुदा है, उसका परिवार है और वो उस बालिका को लेकर गया, तो हमने ये यहाँ SP साहब को आवेदन के माध्यम से मांग करी है कि परिवार पीड़ित परिवार के साथ न्याय किया जाए। आपका नाम? आपका हरगोविंद दीवान समाज से।